नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी न्यूज। चलिए डालते हैं आसपास की क्षेत्र की और तमाम खबरों पर नजर। जसपुर में नगर के गली मोहल्लों के बाहर घूम रहे लोगों की निगरानी करने के लिए पुलिस द्वारा उड़ाए गए ड्रोन कैमरे को उड़ता देख लोग अपने घरों में छिप गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने मुनादी कराकर लोगों को घर में रहने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि जो भी संदिग्ध सड़क पर घूमता दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं CO मनोज ठाकुर के नेतृत्व में कोतवाल उमेश सिंह दानू एवं पुलिस कर्मियों ने नगर के पंजाबी कॉलोनी, लकड़ी मंडी, इमरान चौक, चांद मस्जिद, मोहल्ला जोशियान, मोहल्ला चौहानान और मोहल्ला जुलाहान में पैदल घूमकर ड्रोन कैमरे द्वारा वीडियोग्राफी कराई। SSI ललित जोशी ने बताया कि ड्रोन कैमरे द्वारा वीडियोग्राफी के दौरान कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर में अभी तक 8 लोगों को TRC में क्वारंटाइन किया गया है। हाँ, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कराने के लिए CCTV कैमरे से सर्विलांस हमारे द्वारा किया जा रहा था। कल हमारे द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से भी सर्विलांस किया गया है और इसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। अभी प्रशासन के द्वारा 8 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया है। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे क्वारंटाइन कराया गया है। अभी और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम और प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। जसपुर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट, मोहल्ला दिल्ला सिंह बारी चौक के लोगों ने बुधवार को मोहल्ले की सीमाओं को सील कर बैरिकेडिंग कर दी थी। इसी कड़ी में गुरुवार को ग्राम पतरामपुर के प्रधानपति गुरचरण सिंह तोता, तालबपुर प्रधान शाहनवाज ने गांव की सीमाओं को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया। वहीं मोहल्ला चौहानान में सन्नी प्रधान ने मोहल्ले के लोगों को साथ में लेकर अलग अलग मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बाइकों के संचालन पर रोक लगाई है। मोहल्ले में अब बाइक सवार नहीं घुस सकेगा और न ही कोई पैदल व्यक्ति आ सकेगा। लॉकडाउन छूट के समय ही लोगों का आवागमन रहेगा। आपातकालीन स्थिति एवं पुलिस के आगमन पर ही रास्ता खोला जाएगा। बोले भाई, ऐसी शहर का दौरा करते फिर रहे हैं, मैं टायर दौरा कर रहा हूं, अपने घर बैठो, पूरा देश बंद है तो तुम अपने घर बैठो। तो इसलिए हमने आप जो बंद कर दी, जो इमरजेंसी वाले हैं, जो आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल के लिए, उनके लिए हम रास्ते खोलेंगे। घर के बाहर बैठे हैं, तुरंत रास्ते खोल रहे हैं। नगर के कुछ समाजसेवी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को राशन का पैकेट बांटकर उनको मदद पहुंचा रहे हैं। फैजियाम रोड निवासी समाजसेवी मोहम्मद आरिफ अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को राशन का पैकेट बांट रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह राशन के पैकेट में चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, सोयाबीन, तेल, मसाले आदि के 250 पैकेट लोगों के घर जा जाकर बांटने का काम कर रहे हैं। एक मेरी तरफ से छोटी सी पहल है कि जो परिवार जिनके पास उनके घर पर राशन नहीं है, खाना बनाने के लिए घर का राशन नहीं है, तो वो हम लोगों ने जसपुर के अंदर वो कुछ घर वोट कर रखे हैं और हम लाइन लगा के घर के बाहर नहीं बांट रहे, हम घर घर पहुंचा रहे हैं। और कम से कम जो हमारा राशन है, इतना राशन हम एक पैकेट तैयार कर रहे हैं कि एक हफ्ते तक उनका घर का चूल्हा, मैं नहीं मानता कि नहीं चलेगा, और एक हफ्ते तक बहुत आराम से वो परिवार खाना खा सकता है। और अब हमारा टारगेट 250 परिवार का जो हमने चिन्हित कर रखे हैं, जो हमने अपने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, और हम खुद नहीं और मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से भी रास्ता कायम कर रहे हैं, उनसे भी पता कर रहे हैं कि आपके मोहल्ले में कौन सा परिवार ऐसा है जिसको राशन की जरूरत है, तो हम आते हैं उनका राशन पहुंचाने का काम करते हैं। फन टीवी न्यूज पर अपने क्षेत्र की आसपास की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी न्यूज टाइप करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।